अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी, सुबह सैटरडे था और 11 o'clock में अपॉइंटमेंट थी, तो हम 10:30 घर से निकल रहे थे। जैसे ही गाड़ी में बैठे, इतनी शदीद गर्मी ना मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, सारी चीज़ें इतनी सैड और मुरझाई हुई लग रही थी। हॉस्पिटल पहुँचे, बट वहाँ पर हमारा बस थोड़ा सा ही टाइम लगा जितना हम लोगों ने वेट किया। तो आज मेरी कोई स्कैन की अपॉइंटमेंट थी, वो जल्दी हो गई, डॉक्टर ने जल्दी बुला लिया, कोई था भी नहीं वेटिंग एरिया में। तो फिर वहाँ से हम लोग आए, यहाँ पे हमारे पास ही रेस्टोरेंट है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ से हमने पराठे पिक किए क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। ऑलमोस्ट 12 हो गए थे जब हम यहाँ पर पहुँचे थे। तो फिर घर जाके मैंने ऑमलेट वगैरह बनाया, हमने नाश्ता किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। शाम को हमारा प्लान था कि सब्ज़ी मंडी जाते हैं। पहली दफ़ा ही हम लोगों को, ऑब्वियसली जो लोकल हैं यहाँ के जो लोग रेजिडेंट्स हैं उनको पता होगा, बट हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, वो भी इस वजह से कि मेरे हस्बैंड को ना मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो इतने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ये हमारे पास जो लुलू है और ये क्विक से इतने टाइप के मैंगो उठा के लेके आए हैं, तो वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे। तो काम पे मुझे किसने बताया कि आपको ना ये फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट से बड़े अच्छे पाकिस्तानी मैंगोज़ मिल जाएंगे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर यहाँ पे आए, ये मार्केट हमसे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से 40 मिनट की ड्राइव थी और इतनी गर्मी में, फिर मैंने कहा आप सिर्फ मैंगोज़ तो नहीं लेके जा सकते, तो अब इतनी सारी वेजिटेबल्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो लेके चलते हैं। बट मसला ये था कि हम सिर्फ 2 बंदे हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, और ये था भी ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे थे, तो हर चीज़ यहाँ पे थी। ये जो ग्रीन से प्लम जो लूचे हम लोग बोलते थे हमारे गाँव में लगते थे, मिर्च और नमक के साथ हम खाते थे जब टीनेजर थे। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मैं कहती हूँ, जिन्हों के फैमिलीज़ हैं उनके लिए बेस्ट मार्केट है। और हम तो सिर्फ 2 ही हैं, तो फिर इतना हम लोग नहीं खा सकते और फिर ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, तो इस वजह से फिर मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन भी हो रही थी कि मैं ले लूँ या ना लूँ, फिर मैं क्या करूँगी। सिर्फ ले के जाना नहीं है, इनको ठिकाने भी लगाना है, इनको संभालना भी है, बट फिर मुझे था कि इतनी ड्राइव करके आए हैं और सिर्फ मैंगोज़ उठा के चले जाएंगे, तो कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो ले लेती हूँ, तो वही मैंने ली। फिर ये मैंगोज़ जो जिनके लिए हम स्पेशली आए थे, मैंगो की एक बॉक्स उठाया, और अच्छे पाकिस्तानी थे, खुशबू तो उसी तरह आ रही थी। अब घर जा कर ट्राई करेंगे, पता चलेगा कि कैसा है। तो ये फिर मैं सारी वेजिटेबल्स वगैरह ले रही थी ये भाई साहब से, इन सारा मैं घूम के आई पूरी मार्केट में, मुझे सबसे ज़्यादा फ्रेश इनकी वेजिटेबल्स लगी, तो फिर मैंने इनसे ही सारी ले ली। और इतनी शदीद इंतहा की गर्मी थी, तो यहाँ पे ये लोग काफ़ी होते हैं यहाँ पे ट्रॉलीज वगैरह लेके ना, तो आप इनको थोड़े से पैसे दे दो तो ये फिर आपके साथ सामान गाड़ी तक ले आते हैं। तो ये हमारा सारा सामान था, फिर हमने गाड़ी में लोड किया और फिर घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले तो ये अनियंस लेके आई हूँ जो कि सिर्फ 8 दिरहम के थे, और इसमें मेरे हाल से 5 kg या 3 kg था। और उसके साथ ही मैं आलू लेके आई हूँ, आलू हम फिर भी यूज़ कर लेते हैं सब्ज़ी में, कभी गोभी आलू बना लिए या बैंगन आलू मैं अक्सर बनाती हूँ समर में, तो वो। और ये मैंगोज़ जिनके लिए हम स्पेशली गए थे, जो आते साथ ही मेरे हस्बैंड ने 2 निकाल के हमने फ्रिज में रख दिए थे कि थोड़े से ठंडे हो जाएं, तो फिर मैं काट के खाऊंगा। इनको मैंगोज़ इतने शदीद पसंद है ना, मेरे से इतनी मोहब्बत नहीं होगी जितनी इनको मैंगोज़ से मोहब्बत है, तो इसके लिए इतना दूर ये कभी भी नहीं जाते। मैं आप लोगों को बताऊं, हमारी इतनी चीज़ें होती हैं जो इंस्टाग्राम पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये आउटलेट है, ये आउटलेट है, वो जब मैं इनको दिखाती हूँ ना कि ये वाला आउटलेट हम यहाँ पे चलते हैं, जब ये मैप पे डालते हैं और पता चलता है कि इतना दूर है, तो ये कभी भी नहीं जाते, कहते हैं मैंने इतनी दूर कभी भी नहीं जाना। तो आज अपने मैंगोज़ के लिए ये स्पेशली कहते हैं चलो चलो चलते हैं। मैंने कहा ऐसे, मुझे काम पर किसने बताया कि वहाँ पर मैंगो मिलते हैं, कहते चलो चलो चलते हैं, हम चले गए। तो गार्लिक लेके आई थी, ग्रेप्स भी मेरे हाथ से 8 दिरहम के थे, इतने ज़्यादा। ग्रीन चिलीज़ उसने सिर्फ 2 दिरहम की दी थी, क्योंकि मुझे वो उसके पास पूरा वो जो छोटा सा बना होता है पैकेट सा, वो था, वो इतना नहीं चाहिए था। और 3 जो अनार थे ये हम लेके आए थे 10 दिरहम के, और उसके बाद अनार के बाद था सारी वेजिटेबल्स में मैं आपको दिखाती हूँ।
अनार अब पता नहीं खोल के पता चलेगा कि अच्छे हैं या नहीं अच्छे, शक्ल से तो ठीक ठीक लग रहे हैं कि यहाँ से हम लुलू से अक्सर लेके आते होते हैं, बट वो ना काफ़ी वाइट से हैं, उसमें वो कोई टेस्ट नहीं होता, इतना ड्राई से अजीब सा होता है। और क्यूकम्बर लेके आई थी कि सैलड वगैरह के लिए, फिर भी यूज़ हो जाते हैं। ये इतने सारे क्यूकम्बर 5 तिरम के थे। उसके बाद आ जाती है बारी हमारी टमाटर की। टमाटर मैं ज़्यादा लेके आई हूँ क्योंकि टमाटर हम यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर बच भी जाए तो चलो फ्रीज़र में इंसान रख देता है, तो फ्रोज़न टमाटर ग्राइंड करके आप सालन वगैरह में डाल सकते हो। तो ये सारे टमाटर 5 तिरम के थे, तो 5 तिरम के 2 पैक में लेके आई थी, लाइक 10 तिरम के। एक और भी इस तरह का शॉपर है, उसमें भी इतने टमाटर हैं। मैं ना जब ये सारा कुछ प्रोसेस से गुजर रही थी, फिर मैं सोच रही थी कि हम ना लड़कियां या औरतें कितनी जल्दी एक यू नो माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं, एक माहौल से दूसरे माहौल में हमें एडजस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये सारा काम, ये सारी चीज़ें मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की, और अब जब मैं देखती हूँ कि यू नो राइट वही अब मैं चीज़ें लेके आई हूँ, मुझे टेंशन हो रही है कि ज़ाया ना हो जाए, हमारे पैसे लगे हैं। जब आप ख़ुद कमाते हो ना, फिर आपको समझ आती है कि हाँ भाई इतने पैसे लगे हैं तो इसको थोड़े तरीके से इस्तेमाल करना है। तो हम कितनी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, लाइक थोड़े अरसे पहले लाइक मेरी बिल्कुल ही डिफरेंट सोच थी, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ मैं लाइफ जी रही थी, और अब एक टोटली डिफरेंट यू नो एक सोच होगी है मेरी, मैं लाइफ को लेके चलने की जो मेरा पर्सपेक्टिव है बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो बैंगन लेके आई थी, सब कुछ 5 दिरहम का था। और ये थे जी भिंडी, भिंडी में कीमा भिंडी बना लेती हूँ कभी, गोश्त भिंडी देखती हूँ क्या बनाऊँगी, बट ये था कि और गोभी, ये मेरे हाथ से 3 दिरहम की थी ये एक गोभी। अच्छा ट्रिप था थोड़ा सा, यू नो इंसान इस सारे प्रोसेस से गुजरता है, फिर बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, हर चीज़ से अपनी इतनी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स वगैरह थे, मुझे सारी चीज़ें देख के ना चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे हमारी यू नो ऐसे होता था ऐसे होता था। अब जैसे मैंगोज़ हैं, जब हम छोटे थे मेरे अबू कराची में जॉब करते थे, तो ये मेरे अबू ना समर में आते होते थे, और समर में होता था मैंगोज़ का सीज़न, और तब कराची के मैंगोज़ बहुत ज़्यादा फेमस थे, लाइक वहाँ पे ये अच्छे मैंगोज़ मिलते थे। तो मेरे अबू लाइक 4-5 बॉक्सेस लेके आते थे, और हम लोग छोटे छोटे होते थे, मुझे याद है स्कूल यूनिफॉर्म में ना हम समर में आते थे ऐसे पसीने वसीने हुए हुए, और अम्मी हमें खाना देती थी, खाने के बाद ना एकदम से मैंगो काट के देती थी, और मेरा जो भाई है उसको इतने पसंद थे कि वो ना रोटी के साथ भी मैंगो खा रहा होता था, हमारे रूम में पूरे मैंगोज़ की खुशबू फैली होती थी। तो जब मैं बैठ के ये यू नो मैंगोज़ देख रही थी और वो सारा काट रही थी, तो मेरा इतना सारी वो जैसे पूरी मूवीज़ आपकी आंखों के सामने नहीं चलती, ऐसा लग रहा था वो रूम और वो पूरा सिनेरियो, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी यू नो वहीं पे बैठी हुई हूँ, और वो एकदम से वो आपको सारी चीज़ें याद आती हैं, हर एक चीज़ के साथ अपनी इतनी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, और टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अभी जून में मेरा यहाँ पे साल हो जाएगा आए हुए, और साल का कैसे पता ही नहीं चला, ऐसे लग रहा है लाइक मैं कल परसों आई थी, और फिर यू नो मैंने चैनल शुरू किया और मुझे जॉब मिली, और वो सारा प्रोसेस जो था। अब ये है कि अब थोड़ा सा साल हो गया है, तो मैं थोड़ी सी एडजस्ट हो गई हूँ अभी, मुझे इतनी वो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती जैसे शुरू शुरू में था। चैनल भी मैंने उस तरह से नहीं शुरू किया था कि हाँ भाई मुझे फेमस होना है या मुझे फॉलोवर्स चाहिए। तो मैं जब शुरू में आई थी, मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी, 3-4 महीने मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, आई थिंक 3 महीने मुझे जॉब नहीं मिली थी। तो फिर मैं घर पे बैठी होती थी, व्लॉग्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखती थी लोगों के, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं भी चैनल बनाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम नहीं ऐसे फेस का ये सारा होगा तो मुझे नहीं पसंद कि तुम यू नो ऐसे वीडियोस बनाओ और तुम्हारा लोग देखें। मैंने कहा चलो आप फेस नहीं दिखाते, बट इस तरह से एक व्लॉगर हैं जो फेस नहीं दिखाते, दुबई की हैं आई थिंक, उनकी मैंने उनको एक वीडियो दिखाई, मैंने कहा इस तरह से जैसे ये बना रही हैं तो हम भी इस तरह से बना सकते हैं। तो फिर मैंने चैनल शुरू किया, 2 अनार जो थे वो ठीक थे, ये तीसरा ख़राब था, फिर मैंने ये सारा फेंक दिया। तो सिर्फ पूरे हमारे एक्सपीरियंस में सिर्फ अनार ख़राब निकले, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो चैनल फिर इस तरह से शुरू किया। अच्छा एक दफ़ा ना मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड तो ऑब्वियसली जॉब पे होते थे, तो वो मेरे लिए कार लिफ्ट मंगवा लेते थे, तो वो कार लिफ्ट वाला ना पाकिस्तानी था,
तो वो बातचीत कर रहे थे, भाजी आप कहाँ से हैं, ये वो। तो मैंने फिर बताया, मैंने कहा इस तरह से ना, तो मैं घर में अकेली होती हूँ, इस वजह से मुझे जॉब का है कि मैं बोर होती हूँ, मुझे सारा दिन आप कितना को टीवी देख लोगे या कितनी चीज़ें देख लोगे, फिर वो पूरा दिन होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, यू नो, क्योंकि वहाँ पे घर पे सब होते हैं मेरे, यू नो, पूरा घर भरा हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन आप आ जाते हो, बिल्कुल अकेले हो जाते हो, तो मेरे लिए काफ़ी हार्ड था पूरा दिन इस तरह से घर में बढ़ना। तो उसने मुझे और डरा दिया, उसने कहा मैं अपनी वाइफ को लेके आया था, उस पर तो साया हो गया था, यहाँ पे जिन्नात होते हैं। फिर तो मुझे इतना डर लगता था जब भी मैं घर में अकेली होती थी, थोड़ा सा भी दरवाजे की आवाज़ आती थी, मैं कहता कोई जिन आ गया है। तो बहुत वो अब बात मुझे अभी भी नहीं बोलती। तो ये था हमारा जी व्लॉग, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।